अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? आज हम आपके सामने एक नई पर्सनैलिटी को लेकर आए हैं। आज देखें मौसम भी काफ़ी सुहाना है, कैमरा में हम दिखाएंगे थोड़ा सा, मौसम भी काफ़ी सुहाना है। तो आज आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी को सामने लेकर आएंगे जो कि UAF सब कैंपस बुरेवाला की बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है और उनका बड़ा नाम है सिंगिंग के हवाले से। उनका नाम है मोहम्मद रमज़ान जी। कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा भाई, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, यानी कि आप रैप बहुत अच्छा करते हो, ये कहाँ से सीखा आपने? बस यार, मुझे क्लासिकल सिंगिंग का बहुत शौक था, तो मेरी वॉइस उस हिसाब से अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहते हैं ना कि मोल्ड कर लिया चीज़ों को, तो अच्छा। मैंने उनको रैप में डाल के अपनी सिंगिंग को प्रूव किया। यानी कि क्लासिकल को आपने रैप की शक्ल में? रैप की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, कोई रैप सुनाएंगे? कोई सुनाऊंगा। कोई सुनाए थोड़ा सा? अभी किस हवाले से सुनाऊंगा? कोई भी, यानी कि जो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा आता है या जिसमें आपकी आवाज बहुत अच्छी। ज्यादातर तो लड़कियों पे बनती है, तो मैं लड़कियों पे करना चाहूंगा। रैप होता ही लड़कियों पे। चले सुनाए। बातों में स्वीटनेस और आंखों में जादू है काफी, खुल के मैं प्यार करूंगा, पहले से ही मांगू मैं माफी, बातों ही बातों में बातों से बातें कर बैठा, क्या करूं मैं दिल की बातें जो मैं ऐसे वैसे जैसे भी मैं कर बैठा, शर्माना बस कर अब मेरे सामने ये नाटक तू बंद कर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने फिर कोई क्लब वगैरह ज्वाइन नहीं किया? क्लब्स में म्यूजिक क्लब आपके साथ आप हमारे सीनियर भाई भी हैं, मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमने वो। तो उसके बाद यार, ये आर्ट क्लब है, राइटर क्लब है, इसमें किसी में नहीं गए आप? डिबेटिंग क्लब है। राइटिंग क्लब्स वालों से कॉन्टेक्ट किया था ताकि वो कुछ शेयर या कुछ और हैमिंग वर्ड्स ताकि वो मुझे लिख के दे तो मैं उनको परफॉर्म कर सकूँ। ओके, तो इसके अलावा कौन सी डिग्री आपकी चल रही है इधर? मैं कर रहा हूँ BS कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, थर्ड वाला। इसका मतलब आपकी तो अभी डिग्री बहुत लंबी है, आपको चाहिए कि किसी ना किसी क्लब के साथ अटैचमेंट हो आपकी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकें, आपका कैंपस में और भी नाम बने। और इसके अलावा क्या कमेंट करना चाहेंगे, ये जो पीछे हमारा एनुअल वेलकम एनुअल पार्टी हुई थी, कैसा लगा? आपने परफॉर्म किया था उधर? मैं परफॉर्म करने के लिए गया जरूर था, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइम नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर आपने काम करना है तो आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को अच्छा लगता है परफॉर्म करना स्टेज पे जाके। जब तक मैं परफॉर्म नहीं करूँगा मैं खुल के सामने, वो ग्रूमिंग नहीं हो सकती। तो इसके अलावा क्या फिर किया आपने? इसके अलावा ये स्टडी के वाले से कैसी आपकी स्टडी चल रही है? स्टडी मेरी माशाल्लाह ठीक है। पहला सेमेस्टर, क्योंकि मैं आप बुरे वाला के हैं? नहीं, मैं बुरे वाला का ही हूँ, लेकिन मेरा गांव शेख फाजल है। अच्छा, शेख फाजल, यानी कि डेली आना जाना बाइक पे? मसला साइल नहीं बनता वैन वगैरह पे? हाँ, लेट हो जाती कभी कभी, क्योंकि कभी कभी जब गाड़ी पे नहीं आते तो वैन वगैरह पे आना पड़ता है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के लिए मैसेज यही है कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना, किसी से भी, क्योंकि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ होता है, हर बंदा वैल्यूएबल है, किसी को भी डिग्रेड मत करें, बस यही है। ठीक हो गया रमजान भाई? ठीक, बिल्कुल रमजान भाई ने ठीक कहा कि किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती हैं, तो किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उनका माशरे में नाम बनता है। इसी के साथ हम आज की ये गुफ्तगू का ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नए एक गुफ्तगू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। दिन झड़कड़े तेरे बिन तेरी याद सहारे राती तारे गिन गिन कत कित बेवफाई मिचाई दी सफाई की न करा मैं जिक्र ना तेनो फिकर चल हो जा मैं तो दूर चाहिदा नहीं तेरा प्यार मेरे नाल मेरे यार बेरी कर देने वार जेड़ा मैनू अज तक लगदा सी प्यार मिलो नहीं तो मेरे दिल च समा गई अंदरों ही अंदरों तू मैनू चीज ला गई उली गिनी पल गई देख मैं करावा देख रैप दे सहारे अपनी जिंदगी सुनावा छड़ गई नहीं तू मैनू छड़ गई सी सा टुरदा पिया है ओके बड़े राह बस है किसी उम्मीद पीछे फड़ेंगी तू पा अखा चोए पला बंदे आ चना खाई थी कसम और देखा था वो सपना यार तू भी कहती है लगता तू अपना क्या हुआ नहीं फिलहाल इतनी ट्राई नहीं है, लेकिन मैंने अपनी एक लाइन लिखी थी क्योंकि मैं बेसिकली ज्यादा मेरी जो बेसिक है वो कराची से है। अच्छा, तो कराची से आपका क्या लिंक है? कराची क्योंकि मैं बॉर्न जब हुआ था ना तो हमारे मेरे अबू फौज में है। अच्छा, इस हवाले से उधर ही मैं ज्यादा वो एक आजकल न्यू भी चल रहा है कराची मेरा वाला। अच्छा अच्छा, तो उसका मुझे इतना खास नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत ही आता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। थैंक यू अली भाई।